हेलो। आप सभी लोगों के मन में एक डाउट है और था और अभी भी होंगे कई लोगों के मन में कि जो फैमिली विजिट वीजा वाले हैं वो आ सकते हैं कि नहीं इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी। कई लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के पूछा है, तो उनको जिनका मुझे नाम याद था तो उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है मैसेज करके कि हाँ ये फैमिली विजिट वीजा वाले आ सकते हैं। ओके। और जो लोग का मैं कमेंट पे रेस्पॉन्स नहीं कर पाया हूँ उनके लिए मैं ये मैसेज अभी आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो फैमिली विजिट वीज़ा वाले हैं वो भी दुबई से आ सकते हैं। ओके। कई फैमिली वाले ऑलरेडी दुबई से सऊदी आ चुके हैं। ओके। इसमें तीन कैटेगरी है, तीन जो क्वेश्चंस है डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला जो डाउट आप लोगों का ये है कि जो फैमिली विजिट वीजा है सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री, ये दोनों में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये दोनों कैटेगरी में आ सकते हैं। ओके। और दूसरा, अगर किसी का फैमिली विजिट वीजा लॉकडाउन से पहले अगर पासपोर्ट में स्टाम्प हुआ हो तो वो आ सकते हैं कि नहीं, वो भी आ सकते हैं। कल कोई कुछ फैमिली ऐसे भी आए हैं जिनके जो वीजा है वो लॉकडाउन से पहले पासपोर्ट में स्टंप हुआ था। ओके। और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए माता जी के पास, मदर के पास फैमिली विजिट वीजा है। ओके। और उनका बेबी डिलीवर हुआ इंडिया में जाके और उनको लेके आना है। ओके। तो वो भी आ सकते हैं। ओके। बस बेबी का एक पासपोर्ट बनाना होगा और आप जब सऊदी आएंगे तो ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाएगा। तो ये तीन बातें हैं जो मतलब कंफर्म्ड है। आप आराम से प्लान कीजिए अपना जर्नी और बिल्कुल बिना डरे हुए आप आ सकते हैं। ओके। थैंक यू।